राम राम भैया को आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं दशहरा, क्योंकि आज है दशहरा और हम करेंगे आज दशहरे की पूजा। तो आप देखते रहिए व्लॉग को और बस बाय 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 बाय। क्या आप दशहरा पूजने की तैयारी कर रहे हो? अब जरा दशहरा पूजेंगे, आगे आपको दिखाते हैं हम दशहरा कैसे पूजते हैं। आज नॉर्मल सब जगह घरों में सभी जगह पूजता है दशहरा, वैसा कोई खास होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम दिखाएंगे। गाइस पुष्प खिल रहा है, अभी खिले ना गाइस फूल। पापा थाली कहाँ है? वो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं नोरते मेरे, मस्त हो रहे हैं पूरी थाली। लो तोड़ो नोरते तोड़ो, देखो गाइस कितने अच्छे नोरते हो रहे हैं। मम्मी हमारी तोड़ेगी नु करी, मैं हंडिया तोड़ूं। लो हंडिया फोड़ दो माते। तो काफी सारे हैं। यहाँ को आ जा पास को, थोड़ा सा इतनी दूर थोड़ा बना हुआ। तो दोस्तों ये हमारी मम्मी जी हैं, जो कि बहुत बोलती हैं। अब बोलने के समझ लो एक मजाक के टाइप जो हो है। मान लो ये क्या नाम है, मम्मी बोल कर दिखा। बोल मम्मी, अब बोलो चल दे थाली धर दे। थाली धर कोई जाएगी पूजा की थाली। तो गाइस अभी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद दशहरा पूजेंगे और आप बने रहिए, ऐसी मैं कुछ नया दिखाता रहूँगा आपको। आप बोलो मैं कुछ आप कुछ बोल गाइस को, बोल कुछ बोल, अब लोगों को बोल कुछ। अच्छा बताता रहे। तो दोस्तों बोलो, हाँ दोस्तों को बोल कुछ, वो देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं दोस्तों को बोलो कुछ। क्या बोले, दशहरा पूज रहे हैं। हाँ दशहरा पूज रहे हैं और सही से बोल। पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और सही से धूपबत्ती चला रहे हैं। अच्छा और सही से देखो आवाज़ आ रही है। हाँ तो यहाँ से आवाज़ थोड़ा बोल रहा हूँ। गाइस आप भी दशहरा पूज लो क्या? आओ जी आप भी दशहरा पूज लो। अच्छा और भी मास्टर आज भी लो पूज ले काटा दर का और मेरा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दो वहां मम्मी, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक उधर उधर हां बोल, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा की शुभकामनाएं, दशहरा मुबारक हो सबको। मम्मी बोले ना जाने का मुबारक है ना, दशहरा मुबारक हो सबको हमारी ओर से। दोस्तों दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, मेरी तरफ से दशहरा मुबारक और हमारी मम्मी की तरफ। मम्मी बोल माँ कैमरे में देख के बोल मम्मी, दशहरा मुबारक हो सबको, सब लोगों को और इन भी लोगों को। हमारी सिस्टर यानी कि हमारी बहन भी देखती है, तो हमारी बहन को दशहरा मुबारक, दशहरा मुबारक ऐसे ना बोलना है। तो दोस्तों या गाइस, तो आप सबको दशहरा मुबारक कैसे बोलना है? दोस्तों जड़ दोस्त बोल, दशहरा मुबारक हो। बोला ना था मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी भाषा में बोल, अपनी भाषा में कैसे बोलना है? घबराओ मत, बोलो घबराओ मत ना, बिल्कुल शुभकामना दशहरा की। हाँ सबको अपना दशहरा बनाओ, कचौरी बनाओ, पकवान बनाओ, खाओ दशहरा बनाओ, कचौरी बनाओ। और शाम को चलेंगे भाई मेले में, हम शाम को चलेंगे मेले में। हमारी मम्मी नहीं जा रही है, मैं मम्मी को मना रहा हूँ, लेकिन मम्मी नहीं जा रही मेले में, मम्मी मना कर रही है। ऐसा ना बोलना है, कल कोई बात नहीं, कल पूजा कर लो। चलो गाइस बाद में मिलते हैं, अभी वीडियो रोको। तो गाइस चलते हैं मेले में।
मेले में चलेंगे, आपको मेले में दिखाते हैं। बाय बाय। सुबह मैं काम पे चला गया था तो इस वजह से रास्ते में लोग नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मैं फ़ोन कर रख के जाता हूँ जब काम पे जाता हूँ। अब मेले में मिलते हैं आपको। मेले में जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब हम मेले में चलेंगे। आइए देखो चंपा, ये देखो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं, तो मिलते हैं फिर मेले में। मेले में चलो कुछ क्या बोला, मेले में जा रहे हैं, मेले बोल कुछ हवा मेला देखने जा रहे हैं, दशहरा देखने, दशहरा देखने जा रहे हैं भाई हम, बोला कुछ दशहरा देखने जा रहे हैं भाई, सब मुबारक हो, मुबारक ना है, मुबारक ना बोलते, बोल दो कुछ मेला देखने जा रहे हैं, हमारी जनता के लिए पूजा, हमारी जनता को बोल जो हमारी जनता यूट्यूब पर ना, बोल कुछ बोल, कुछ बोल मेला देखना चलो भैया, सब मेला देखने चलो, यहाँ मुझे भी देख लीजिए, वहाँ देख कर मेला देखना चलो भैया, सब सब मेले में, अब मेले में मिलेंगे भैया, ठीक है भाई, बाय बाय। मेले में आकर हम रावण देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से हम रावण देख रहे थे मेले में, और ये झूला है साइड में, झूले के पास भी गए थे हम। मेले में बहुत भीड़ थी, इसी वजह से मैं ढंग से दिखा नहीं पाया, लेकिन जितना जितना मैंने कैप्चर करा आप लोग देख लो और इसी में इंजॉय करो, और तो सब बढ़िया ही है, वैसे बढ़िया है सब कुछ, सही है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है ना, रावण भी ठीक ठाक है, लेकिन बस थोड़ा सा यही है कि रावण दहन में हमें थोड़ी परेशानी हो गई। परेशानी क्या हो गई, बस सुबह ही सुबह क्या नाम है, रावण इतनी जल्दी दहन नहीं हुए थे, इसी वजह से सुबह ही सुबह क्या नाम है 6 बजे आग लगी, क्योंकि हापुड़ में सबसे लेट लगते, जो जो हापुड़ से हैं बंदे या हमारे इधर यूपी में सब जानते होंगे कि हापुड़ में सबसे लेट रावण फूकता है, ये सबको पता है, लेकिन हमें गलती हो गई थी, इसी वजह से हम जो जल्दी पहुँच गए 3 बजे उठ कर रात को, इस वजह से हम रावण फूकता हुआ। इससे क्लियर होता यू कैमरा, यहाँ लड़ाई करती और नहीं बहुत देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वो पल आ गया जब इनमें आग लगनी चालू हुई, पहले रावण जी फूके। अब मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अब आप खुद देख लो ये कैसे फूके।
है।